बड़ी कार्रवाई करते हुए 153 किलो अवैध गांजे के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद की थाना दरगाह पुलिस ने भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद कर तस्करों को धर दबोचा है। बता दें कि पुलिस ने 153 किलो गांजा के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त 4 बाइक, गांजा, मोबाइल समेत अन्य सामानों को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देशन में दरगाह थाना अध्यक्ष मनोज कुमार, उप निरीक्षक राजेश्वर सिंह, कौशल अली, रामकिशोर जितेंद्र, आशीष और शुभम मंगलवार तड़के दरगाह रोड पर आने जाने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि चेकिंग के दौरान बख्शीपुरा नई बस्ती में बाइक सवार 4 लोग आते दिखे, जिस पर सभी को रोका गया। तलाशी ली गई तो बाइक सवारों के पास मौजूद बोरी में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया। जांच के दौरान सभी गांजा का लाइसेंस नहीं दिखा सके, इस पर दरगाह पुलिस सभी को थाने ले आई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इनकी पहचान राजकुमार उर्फ राजू निवासी फतहरिया बौरा पुत्र मनोरथ निवासी राढ़न टोला, राजू वर्मा पुत्र ज्वाला प्रसाद नई बस्ती हसनगंज, विनोद पुत्र हरद्वारी पासी बगीरापुर नानपारा, रामू सोनी पुत्र सुंदर सोनी हसनगंज और मुकेश निषाद पुत्र मिहलाल निवासी हसनगंज तुलसी टाकीज नानपारा के रूप में हुई है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों में पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के नेतृत्व में आज दरगाह पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें 153 किलो गांजे की बरामदगी हुई है। उसके साथ ही साथ उसमें 4 अदर मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक फर्म काटा रिकवर हुआ है, साथ ही साथ 8 अदर मोबाइल फोन है भी रिकवर हुए हैं। ये समस्त अपराधी गांजे का कारोबार करते थे अगल बगल की जनपदों में, खासकर श्रावस्ती और बलरामपुर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये सारे लोग पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनके लिंक्स को भी तलाशा जा रहा है। साथ ही साथ अपराध से जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की होगी उसका भी आकलन किया जाएगा, कंजेस्टेड एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी और 14 एक्ट में उनकी संपत्ति का जब्तीकरण भी किया जाएगा। सर कहाँ से पूरा विषय अभी विवेचनाधीन है, हम लोग पता लगा रहे हैं कि इसका मूल स्रोत कहाँ है, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, ये सारी चीज़ें विवेचना में क्लियर की जाएंगी। लेकिन यह तय है कि इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई होगी और इनकी संपत्ति जो अपराध से अर्जित। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।